की है, हालांकि कोई विकेट अभी तक नहीं खोली है और अब यहाँ जो रणजी इलेवन है वो विकेट की तलाश में है। लेकिन अब भूपेंद्र से अच्छी बात जब से धोनी यादव ने बाल को डाल दिया है और अच्छी गेंद की सही ठिकाने पर डाल रहे हैं। गेंद खेलने के बाद कितनी तेज निकल रही है जो तो मैंने बात से पता होगा।24 रन हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। आज धीरे धीरे स्कोर को बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस समय धरती को भी कंट्रोल रखती की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं भूपेंद्र सिंह। अच्छी गेंदबाज जान जाते हैं इस बार अच्छी गेंद अच्छी ठिकाने का विचार डाला था और लॉक करना चाहते थे बल्ले और उनसे कोई संपर्क नहीं बाकी का काम खिलाड़ी ने पूरा किया। तो इस तरह से तीन ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन और कोई विकेट अभी तक कोई नहीं है टीम गाजीपुर। थोड़ी सी समय मनाने कंपनी आपस में कुछ मंत्रणा करती है कि कौन से गेंदबाज को हमें गेंदबाजी से रुक जाए। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम जानी जाती है। लेकिन अगर ये इसमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। तीन टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और वो चौथी टीम है। हमें इस तरीके से अपने बल्लेबाजों को थोड़ी सी टिप्स देने के लिए ग्राउंड में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यहाँ से अपने गियर को आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि 6+6 ओवर का ही मैच है। 3 ओवर समाप्त हो चुका है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम गाजीपुर 25 रन बना चुकी है हालांकि कोई विकेट अभी नहीं खोई है। अब देखते हैं स्टार्टिंग एंड पे बल्लेबाजी कौन से रन की ओर चल रहे हैं। तो राजा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं पनार्थी बाबू उनसे दूर जाते हुए और उनके सामने है खूबसूरत तरीके से बात खेला है। पहली ही गेंद पर इनका स्वागत है बड़े ही अच्छे तरीके से किया इस बल्लेबाज ने और पार कर सारा दो बार। तो ये तो स्वर्ण पर सुहावा हो गया बल्लेबाज के लिए। तो बिना देखते 7 रन तो राजा एक अच्छी गेंदबाज है जिस तरीके की उम्मीद है दर्शकों को कि छक्के चौके की बारिश को लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिल पाया क्योंकि अच्छी टीम बना कर लाए हैं मेहमान कंपनी जो इसमें खेल रही है राजा सिंह जाते हुए बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन बल्ले का शायद मोटा इसलिए करके बल्ले की तरफ रास्ता नहीं चलेगा तो एक पतन होता हुआ तो तार में भी थोड़ी सी गड़बड़ी जिस वजह से एक विकेट का पतन हुआ। सरप्राइज भाई नहीं है भाई स्थान लेने के लिए आ रहे हैं सुनील बताओ जो कि लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। गाजीपुर का ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है इनका विकेट सामा भाई नहीं है भाई अगर आ रहे हैं अभी का स्थान लेने के लिए सुनील बताओ और वाराणसी का राजा गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी भी बहुत ही बढ़िया स्थिति कही जा सकती है अभी तक बिल्कुल बात नहीं रखा है लेकिन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दो छक्के लगा करके खेल रहे हैं। पहले ओवर में एक लगाया था और इस बार दूसरे ओवर में पहली ही गेंद का लगाया राजा धीरे
चौथा ओवर चल रहा है, 34 रन एक विकेट के नुकसान। पहली बार सामना करेंगे सुनील भगारण, तो वहां पे वाराणसी एक्सप्रेस के सामने है राजा, हमसे दूर जाते हैं और सुनील भगारण ने लिया और इस बार मार दिया है, ये कुछ ऐसा है हमारी आखिरी पर दर्शक के बाद फिर से गेंद को उठा रहा है, तो आखिरी में छक्के से खाता खुला है, वन बाउंस का इशारा आया है, संभवतः वन बाउंस है भी। लगातार तीन छक्के अगर जो खिलाड़ी मारता है तो प्रधान की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। स्वामी दयाल जी जो प्रधान जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं भावनापुर के, उनके तरफ से अगर तीन छक्के लगातार जो मारो या कोई खिलाड़ी लगाता है तो उनको 500 रुपए दिया जाएगा। हर इस बार फिर से प्रधान जी की आवाज उनके एक आने में ज्यादा हो गई, तो दूसरा छक्का तो निश्चित ही राजा के ऊपर तो ये खिलाड़ी बिल्कुल खुश नजर आ रहा है, अगर एक और छक्का लगाते हैं तो 500 के हकदार हो जाएंगे। तो प्रधान जी ने जैसे ही 500 रुपए का इनाम लगाया वैसे ही भुतारो ने एक चमकदार छक्का लगाया, इसके एक जाइकी रूप में सानी 75 स्टार दे, थैंक यू सो मच भाई। हम देखते हैं इस देश को क्या करते हैं और साक्षी देव की तरफ प्रधान जी तो 500 की नोट निकालने ही वाले थे लेकिन कैसे बच गए। तो इस तरह से गुलफाम अली भाई थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार दे रहे हैं। चार ओवर के साथ के बाद करता हुआ स्कोर इस समय गाजीपुर का, तो एक अच्छी स्थिति में कही जा सकती है। सुनील बताओ जब तक रहेंगे इसी तरह से रन बनता रहेगा, आगे का आंखों देखा हाल सुजीत साहब। तो जैसे कि पहले ओवर में मात्र 4 रन आए थे, शुरुआत करने के लिए आए थे रोहित और अनिल, उसके बाद से आकाश सिंह भाई क्या पूछ रहे भाई, दूसरे ओवर में 10 रन, फिर तीसरे ओवर में 11 और इसमें आए 22, यानी टोटल ओवरऑल हम देखेंगे इसको 47 रन। बुमराह को बॉलिंग नहीं करा रहे भाई, अब कौन नए गेंदबाज को लाना होगा नहीं बात की, अब वो कौन गेंदबाज होगा क्या। ओवर हो गया ना, 4 ओवर में 47 रन भाई, अनस की बैटिंग कब आएगी पता नहीं भाई, अनस की बैटिंग कब आएगी भाई, अभी तो कितना विकेट गिरा हुआ है, सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ भाई। जफर भाई सरफराज खान किस टीम में भाई, आकाश भाई सरफराज भाई नहीं आए हैं, अरविंद भाई 75 स्टार देने के भाई थैंक यू सो मच भाई, और जफर एंजेड को आप लोग जाकर फॉलो कर ले फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग सब्सक्राइब कर अब्दार अहमद 75 स्टार देने के थैंक यू सो मच भाई। शैलेश यादव थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार भेजने के लिए। तारिक अंसारी भाई और कैसे हो भाई, मानी श्री धनंजय सिंह जी कुचाई के प्रधान बॉल है, इस ग्राउंड की चांद के नीचे युवा दिन की थलने के नीचे हमारे बड़े भाई मानी श्री सारी थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार देने के लिए तारीफ भाई। और क्या हाल है बुमरा, ये पंख उड़े चले गए बाजी के लिए या आगे बाल पर शान लगे अच्छे, आज अलग मूड में है सुनील बीफार पुकारो स्कोर हुआ फिर बदल। हम चाह रहे हैं सभी मंच पर विराजमान है सभी महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं यार तमाम भाई और गुरुचा खाली कर दे, हमारे कुंजाई के प्रधान महोदय धनंजय सिंह जी का आगमन हो रहा है, एक बहुत ही बढ़िया ये फैजाबाद की खिलाड़ी है जो बुमराह जी का जिक्र है, गाजीपुर वापिस फैजाबाद तो हम देख रहे हैं कि हमारे बीच माननीय श्री धनंजय सिंह जी जो ऊंचाई के प्रधान महोदय है आ चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वेलकम कर रहे हैं हमारे इस प्रतियोगिता में।
ठीक है तारिक भाई, जरूर मिलेंगे। करण यादव, करण यादव थैंक यू सो मच भाई, 100 स्टार भेजने के लिए थैंक यू सो मच भाई। ओसामा भाई नहीं है भाई, स्टार नहीं भेजे, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे भाई। उमरा भाई बड़ा इनाम आप सभी दर्शकों के लिए। लास्ट टिकट बची है, वेल डन बुमरा भाई, वेल डन। अंकित आर के थैंक यू सो मच भाई, 100 स्टार भेजने के लिए थैंक यू सो मच भाई। 5 ओवर में 55 रन एक विकेट के नुकसान पे भाई, बोकारो भाई 6 गेंद 19 रन बना के खेल रहे हैं। जौनपुर की ये खिलाड़ी है, हमें भी लीड है लेकिन स्लो पे कौन है, दूसरा ले रहा है, दूसरा रन बना रहा है। सुनील यादव ने गेंदबाजी न सौंपकर टीटू को सौंप दी है क्योंकि बोकारो स्ट्राइक पर थे और सुनील भी इंडिपेंडेंट बॉलर है, ये दिमागी ही बैटिंग थी। अगर आप क्रिकेट के मैदान पर है तो आप सोचिए प्लान है। हाँ भाई आज ही फाइनल होगा भाई, आज ही फाइनल, एक दिन में फाइनल होगा। ऐसे गेंदबाज चलाया गया जो ऑफ कटर नहीं डालता, यानी लेग हैंडर के लिए आसान काम बनता है। ये देखिए ये छी, ये ऐसे अलग करिश्मा ही करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम बोकारो है। हमारे बीच में किशोर बोल रहे हैं, संख्या की बात करें 63 रन, 5 ओवर 2 गेंद 63 रन। छठवां ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है, 4 गेंदें आना बाकी है।
हाँ बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। आप लोग कैसे हो भाई? जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, और जफर अली का फॉलो करके फॉलो भी करते रहे, उन्हें धन्यवाद देना भाई। ये बढ़िया गेम जी होता है, ऑफ करके छक्का खाया लेकिन अगले ही पल पर वापसी कर ली। पीटू एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ यहाँ इस मैदान पर अभी तक दो मिनट का मिलेगा आप लोग समझते हो।